बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी जानकी प्रसाद यादव विधानसभा क्षेत्र के बंडा सिंघा मोड़ बरकट्टा बाजार पहुंचते ही भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी जानकी यादव को फूल माला पहनाकर जमकर स्वागत किया। इसी क्रम में पतालसुर और बरकट्टा प्रसिद्ध बुढ़िया माता मंदिर पहुंचे विधायक जानकी प्रसाद यादव ने माता के दरबार में मत्था टेका और आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर खबर 24 से बातचीत में भाजपा प्रत्याशी जानकी प्रसाद यादव ने कहा कि आज आप सबों के बीच भाजपा उम्मीदवार के रूप में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व में हमें जो ये जिम्मेदारी दी है मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का मुझे बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके लिए हम केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व के नेताओं को कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं। मैं बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता आम जनता एवं महान मतदाता को नमन करना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बरकट्टा विधानसभा की क्षेत्र की जनता ने 5 वर्षों के विकास को देख करके मन बना लिया है और ऐतिहासिक मतों से यहां विजय श्री प्राप्त होगा और जो मेरे अधूरे कुछ कार्य बचे हुए हैं उसको मैं विकास करके बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र को झारखंड में 1 नंबर के नक्शे पर लाने का प्रयास। बरकट्टा से ईश्वर यादव की रिपोर्ट।